खत्म कर दी गई है, 200 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। मेंबर ने इसमें हालांकि वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर का तो मसला नहीं है, माश की दाल की बात की है कि 260 रुपए है। मेरा ख्याल है ये अपने हलके में कह के चिकन खाएं, गवर्नमेंट ने उस पर तमाम सेल टैक्स तमाम ड्यूटीज को खत्म किया, वो 200 रुपए है चिकन जो है, वो 200 रुपए जो है वो एवरेज कॉस्ट जो है वो है। और दाल के लिए हमने ऑलरेडी TCP को कहा है कि वो इंपोर्ट करे ताकि सप्लाई ज्यादा हो, लोकल प्रोडक्शन जो पिछले साल एग्रीकल्चर की हमारी 0.19% ग्रोथ हुई है उसकी वजह से उसमें प्राइसेस का शूट हुआ है और इसके ऊपर हम देख रहे हैं। और आवाम को चिकन खाने का मशवरा क्या मिला, शहरी आपे से बाहर हो गए और इसहाक डार को दाल रोटी का भाव याद दिला दिया। समझो चिकन हमने प्राइसेस कम कर दिया तो चिकन आवाम को भी सस्ता मिल रहा है, और जाके तो देखो मुर्गी वाली दुकान पे क्या रेट पे चिकन मिल रहा है, वो दालों से भी महंगा मिल रहा है। कभी आप घर से निकले और खुद फिजिकल जाके मार्केट से खरीदें तो पता चले कि आटा चीनी का भाव क्या है। तो चिकन खाए तो भाई चिकन के लिए जो है ना पैसे चाहिए ना, इतने दिहाड़ी कहाँ देते हो, गरीब आदमी चिकन कहाँ से खाएगा, वो एक तो रह गए गरीब आदमी दाल खाने के लिए, वो भी तुम छीन रहे हो आवाम से। जनाब इशाक डार साहब, आपने मशवरा तो दे दिया है कि चिकन खाए, जिनके पास चिकन खाने के लिए पैसा नहीं वो क्या खाए। ना चिकन सस्ता है ना दालें सस्ती हैं, गरीब आदमी तो ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, सूखी रोटी पे गुजारा कर रहे हैं। कि पोल्ट्री अपनी है इसलिए ये लोगों को कह रहे हैं कि ये पोल्ट्री का गोश्त खाएं, ये सस्ता है, सस्ता नहीं है, बस वैसे ये कह रहे हैं कि हमारा जो माल वो बिके।